एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ वन्ना। कैसे हो आप सब? केम छो तमे? आई होप कि आप सब मस्त होगे, ठीक होगे और मजा में होगे। अभी आई कैसे हो? 2-3 घंटे पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ। अगर आपको सफ़ेद बाल की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है या तो आपको झुकी लीकों की प्रॉब्लम है ना, तो मैंने इसके लिए एक DIY रेमिडी बताई है। मे बी अगर आपसे वो वीडियो मिस हो चुका है ना, तो लिंक आपको दे दूंगी या तो आप वीडियो में जाके वो देख सकते हो। बात करते हैं आज के वीडियो की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि आजकल यू नो काफ़ी दिनों से मैं मेरे वीडियोस में आप सबके साथ बेयर फेस में आती हूँ, यानी क्लीन एकदम यू नो साफ़ सुथरे फेस में आती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि मुझे मेरे स्किन के ऊपर क्या ज़्यादा प्रॉब्लम है। वैसे खास मुझे इतनी कोई भी दिक्कत नहीं है, थोड़े से डार्क सर्कल है, बिकॉज यू नो मैं आप सबको पता है कि मैं एक दिन में 2 से 3 वीडियो शेयर करती हूँ, शूट करती हूँ, लाइटिंग के सामने मुझे रहना पड़ता है एंड घंटों तक मुझे यू नो वीडियो एडिट करना पड़ता है, शूट करना पड़ता है, और मैं हाउस वाइफ हूँ तो मुझे करके बहुत सारे काम भी होते हैं, तो दैट्स वाई मुझे डार्क सर्कल हो गए। बट अगर मैं यू नो प्रॉपर अच्छे से केयर कर लूँगी, 7 से 8 घंटे की नींद ले लूँगी ना, तो मेरे डार्क सर्कल भी ख़त्म हो जाएंगे। बट आई गेस वो तो होगा नहीं, क्योंकि इतना सारा काम होता है, दैट्स वाई। तो आज मैं आपको एक सिंपल रेमेडी बताने वाली हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। मेरी एक नई चैनल है जिसमें मैं शॉर्ट वीडियो आप सबके साथ शेयर करती हूँ, 2 से 3 मिनट वाले, उसके लिंक मैं आपको दे दूंगी। और मेरी चैनल में चल रहा है गिव अवे, मोस्ट वेलकम अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो रेमेडी है उसको बनाने के लिए मोस्ट ऑफ मैंने जो चीज़ें ली है वो किचन की ही ली है। अगर आपको ब्लीच सूट नहीं करता है, ब्लीच के नाम से ही आपको डर लगने लगता है ना, तो ये रेमेडी आप ट्राई करना, ये आपको ब्लीच का काम देगी। ब्लीच का काम मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन के ऊपर कोई केमिकल लगाने के लिए मैं बोल रही हूँ, इतने साफ़ सुथरे और नेचुरल चीज़ें मैं आपको लगाने के लिए बोल रही हूँ जिसमें कुदरत ने ही नेचुरली प्रॉपर्टी दी है जो आपकी स्किन को निखारती है, 1 या 2 शेड इवन टोन बनाने के लिए, लाइटन करने के लिए काम आती है। सबसे पहले आपको कच्चा आलू ले लेना है, छोटा मीडियम साइज़ का लेना है, उसके आपको छिलके निकाल लेने हैं। छिलके निकालने के बाद उसको आपको धो लेना है। धोने के बाद आपको करना क्या है, उसको आपको ग्रेट करना है। इन शॉर्ट मैं आपको यहाँ पर पोटैटो का जूस बनाने के लिए बोल रही हूँ। आपको लगता है कि आप यू नो कोई भी अदर मेथड से पोटैटो का जूस बना सकते हो, बना लीजिए, बट मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट एंड सिंपल क्विक रेमेडी बताती हूँ। कद्दूक्रस करने के बाद जब आपका पोटैटो कद्दूक्रस हो जाए ना, तब आपको हाथों से निचोड़ कर उसका जूस निकाल लेना है। तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच आपको यहाँ पर जूस लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी है वो है कॉफ़ी। 1/2 चम्मच आपको कॉफ़ी डालनी है। मान लो कि आपके घर में कोई कॉफ़ी पीता नहीं है, हमारे घर में कोई कॉफ़ी पीते नहीं है हम लोग, बट मैं कॉफ़ी मेरे स्किन केयर रूटीन में और मेरे बालों में अप्लाई करने के लिए मैं कॉफ़ी रखती हूँ। आप 1 रुपये का कॉफ़ी का पाउच आता है वो भी ले लीजिए। लास्ट में आप इसमें 1/4 टेबल स्पून जितना हनी डाल लीजिए और ये तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बहुत ही यू नो पतली कंसिस्टेंसी का आपका इस तरीके का मिक्सचर तैयार हो जाएगा, जो आपके चेहरे के ऊपर स्किन को टाइटन करने का काम करेगा। कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ही अच्छी मात्रा में होती है, जो टेनिंग को हटाती है, एजिंग के मार्क्स को दूर करती है, हमारे चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ झाइयाँ कुछ भी अगर आपको दिखता है ना, तो उसको डिले करने का काम ये करती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ऑलवेज बताती हूँ ना कि कोई भी रेमेडी आपके चेहरे के ऊपर यूज़ करने से पहले या तो आप फेस वॉश कर लीजिए या तो आप क्लिनजिंग मिल से आपका चेहरा है वो साफ कर लीजिए। तो अभी मैंने मेरे चेहरे के ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, और हाँ तो मैं आपको जस्ट यू नो चेहरा क्लीन करके बताती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना हो, जस्ट मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि मैंने मेरे फेस के ऊपर कोई मेकअप नहीं किया है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैं चेहरे को क्लीन कर लेती हूँ, और यहाँ पर मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है प्लंज का ग्रीक योगर्ट क्लींजिंग मिल्क। ये डीपली आपके चेहरे को साफ भी करता है, मेकअप रिमूव करने के लिए, डस्ट इम्प्योरिटीज कचरा निकालने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। यही सेम कॉटन की हेल्प से ये जो मिक्सचर है ना मेरे फेस के ऊपर अप्लाई कर लूँगी। ऑलवेज आप ध्यान रखिए कि अगर आप आपकी स्किन केयर रूटीन में कुछ भी अप्लाई करते हो ना, तो बाद में आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ना टोनर, मॉइस्चराइज़र, डेली की क्रीम ये सब अप्लाई कीजिए, क्योंकि जो भी आपने फेस पैक या तो जो भी कुछ आपने आपके चेहरे के ऊपर यूज़ किया ना, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे चेहरे को क्रीम की आवश्यकता होती है। समर में हमारी स्किन को टोनर की ज़रूरत होती है। तो इसमें हमने जो पोटैटो जूस यूज़ किया है ना, वो पोटैटो
आपकी स्किन के अंदर इंस्टेंटली चला जाएगा और आपके पोर्स को क्लीन करने का काम करेगा, आपकी स्किन को टोन करने का काम करेगा। कई बार होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा हम फटाफटी में होते हैं, काम में होते हैं कि हमें पार्लर में जाके फेशियल कराने का टाइम नहीं होता है। या तो अभी की सिचुएशन में आप मान लो कि कोरोना में कोई ज़्यादा इतने ज़्यादा लोग पार्लर में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि पार्लर में हम जाते हैं ना तो जो लेडी हमारा फेशियल करती है ना तो ऐसे हमारा फेस आता है ना, तो मोस्ट ऑफ लेडीज़ अभी पार्लर में फेशियल कराने भी नहीं जाएंगी। तो अगर आपको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा चेहरा गंदा हो चुका है तो आप सिंपल वाली ये रेमिडी ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा मैं इसमें नॉर्मल पानी डाल रही हूँ एंड इवनली आप आपके डार्क सर्कल के एरिया पर भी इसको लगा सकते हो। ये डार्क सर्कल को भी रिड्यूस करता है, आपके पोर्स को क्लीन साफ करता है, चेहरे को टोन करता है। लगाने के बाद जब ये 5 से 7 मिनट के अंदर ड्राई हो जाएगा ना, खुद आप फील करोगे कि आपकी जो यहाँ पर स्किन है ना वो टाइटन हो रही है, आपकी स्किन आपको टाइट फील हो रही है, आपको खिंचाव महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रेमिडी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। तो चेहरा यहाँ पर मैंने जस्ट नॉर्मल पानी से ही साफ़ किया है, आप देख सकते हो, कोई भी अदर मेकअप नहीं किया है, कुछ भी यहाँ पर नहीं किया है। और इससे हमारी जो स्किन है ना वो डे बाय डे जैसे जैसे आप ना इसको कंटिन्यूसली यूज़ करते जाओगे, हफ्ते में 2 बार कम से कम, तो आपको आपकी स्किन के ऊपर, आपके स्किन टोन के ऊपर आपको विजिबल रिजल्ट दिखेगा। बाद में अभी समर सीजन चल रही है तो टोनर अप्लाई करना बिल्कुल ना भूले, हमारी स्किन को रिफ्रेशमेंट की और हमारी स्किन को हाइड्रेशन की समर में ज़रूरत होती है। हमारी स्किन बहुत ही जल्दी से डिहाइड्रेट हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आल्प्स गुडनेस का ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ। लगाने के बाद जस्ट आपको हल्की सी मसाज करनी है, ये पानी होता है तो क्विकली हमारी स्किन के अंदर ये एब्सॉर्ब हो जाता है। ग्रीन टी है तो आपकी स्किन को ये टाइटन करने में, खास करके आपकी आपके पोर्स को क्लीन करने में, आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में ये हेल्प करेगी। और बहुत ही अफोर्डेबल टोनर है और काफ़ी टाइनी भी है, तो आप आपके पर्स में भी इसको कैरी कर सकते हो। लास्ट में अभी यहाँ पर मैंने फेस वॉश किया था तो मेरा जो लिप बाम है वो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, तो मैं जो लिप बाम है वो यूज़ करती हूँ बायोटिक का बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम। बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट होगा क्योंकि ये फ्रूट लिप बाम है और काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर हमें क्वांटिटी भी मिलती है, तो आपको अगर लेना है तो आप नीचे मैं आपको लिंक दे दूंगी। लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन के ऊपर कोई भी फेस पैक या कुछ भी अप्लाई करने के बाद फेशियल सीरम, फेशियल ऑयल या तो मॉइस्चराइजर या तो आपकी डेली की जो फेस क्रीम है ना वो अप्लाई करना बिल्कुल ना भूले, तो यहाँ पर मैं डम डॉग की एंटी एजिंग फेस सीरम है वो यूज़ कर रही हूँ विथ रेटिनॉल। जस्ट 2 से 3 बूंद ही आपको ये सीरम की लेनी है एंड फेस के ऊपर आपको हल्के से मसाज कर देनी है। ये आपके सेल का जो प्रोडक्शन होता है उसको स्पीड कर उसकी बढ़ा देता है, जिससे आपकी स्किन टाइटन होती है, रिजुविनेट होती है, आपकी इलास्टिसिटी स्किन की मेंटेन रहती है, स्मूथ आपकी स्किन बनती है और स्किन के ऊपर फाइन लाइंस या तो जो झुर्रियां होती है ना उसको प्रिवेंट करने में ये डम डॉग एंटी एजिंग फेस सीरम विथ रेटिनॉल आपको हेल्प करता है। तो जस्ट इस तरीके से आपको ये DIY रेमिडी मैंने आपको बताई वो आपको ट्राई करनी है। और जो भी प्रोडक्ट्स बताई वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वही यूज़ करनी हो, आपके पास टोनर, फेस क्रीम आपके पास जो अवेलेबल है ना वो आपके चेहरे के ऊपर ये फॉर्म में, यानी फर्स्ट स्टेप ये, सेकेंड स्टेप ये और थर्ड स्टेप है, ऐसे आप लगा लीजिए और आपकी जो स्किन देखना पूरे दिन इतनी ज़्यादा हेल्दी, रिफ्रेश्ड और ख़ास करके मेंटेन रहेगी। सिंपल सी DIY रेमिडी है, इसे आप ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन बाय गाइस, यू एंड लव यू ऑल, आओ जो